स्वागत so, है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला में आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वे है पॉलीमर पॉलीप्रोपिलीन जिसे एब्रीवेशन किया जाता है पीपी -पी से इसकी प्रिपरेशन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और यूज और एप्लीकेशन देखेंगे तो अगर जनरल स्ट्रक्चर हम देखते हैं पॉलीमर का तो यहाँ पे प्रोपिलीन मॉलिक्यूल जो है उसी का पॉलीमर यहाँ पे बनता है और इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम डिनोट कर पाते हैं तो पॉलीप्रोपिलीन का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है पॉलीप्रोपिलीन उसके बाद प्रिपरेशन की जो भी मेथड है वे हम यहाँ पे देखेंगे पॉलीप्रोपिलीन के लिए उसकी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक पॉलीप्रोपिलीन की क्या होती है वे भी हम देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशन तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अब पॉलीप्रोपिलीन जो है वे पॉली कैटेगरी से बिलोंग करता है अब पॉलीमर्स में अलग अलग पॉलीमर्स है अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर कोई पॉलीमर बनता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीओलिफिन्स तो पॉलीप्रोपिलीन जैसे कि पोलिथिलीन था उसी तरह से उसी कैटेगरी में जाता है और ओवरऑल और और अगर पोलैरिटी देखी जाए पॉलिप्रोपिलीन की तो नॉन पोलर कैटेगरीज में कंसिडर किया जाता है पॉलिप्रोपिलीन जो मॉलिक्यूल है जिसे एब्रिवेशन किया जाता है पीपी -पी से इसे हम पॉलीप्रोपीन भी कहते हैं बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रोपिन मॉलिक्यूल जैसे इथिलिन था पॉलीथिलीन इथिलिन मॉलिक्यूल से बना हुआ था इसीलिए पॉलीथिलीन कहा जाता है वैसे पॉलीप्रोपिलीन जो नाम है तो प्रोपिन मॉलिक्यूल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इस स्ट्रक्चर से बनता है और हमें पता है कि स्ट्रक्चर का नाम हम प्रोपिन कह सकते या प्रोपिलीन कह सकते तो इस मॉलिक्यूल से बना हुआ पॉलीमर है इसीलिए इसे पॉली कहा जाता है यह ओवरऑल पॉलीमर जो है वह थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आता है जो पॉलीमर मेल्ट होने के बाद रीशेप किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोपोस्टिक पॉलीमर और इसके एप्लीकेशन जो है वे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन होते बिकॉज इट कैन बी मोल्ड रिमोल्ड आफ्टर द इचिटिंग हम उसका शेप जो है वे चेंज कर पाते हैं और इसे रीयूज भी कर पाते हैं इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वह बहुत ही मायने में सिमिलर होती है पॉलीथिलीन जैसी प्रॉपर्टी है हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो पॉलीथिलीन का पॉलीमर डिस्कस किया है वैसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वे हमें पॉलीप्रोपिलीन की मिलती है लेकिन अलग क्या बात है तो यहाँ पे अलग बात है कि यहाँ पे हार्डनेस जो है पॉलीप्रोपिलीन की वे ज्यादा होती है कंपेयर टू दी दॉलीथिलीन अलॉन्ग विद दैट इट इज मोर हीट रेजिस्टेंट तो हीट रेजिस्टेंट की कैपेसिटी जो होती है पॉलीपो की वे पॉलीथिलीन से ज्यादा है और हार्डनेस भी ज्यादा है तो एप्लीकेशन की कैटेगरी में पॉलीप्रोपिलीन जो है वे सुपीरियर हो गया पॉलीइथिलीन से पॉलिथिलीन से ज्यादा जगह में हम एप्लीकेशन कर पाएंगे जहां पे हमें हार्डनेस इंपॉर्टेंट है और हीट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है तो वहां पे हम यूज करेंगे जो जनरल हम यूज करते हैं को इंडिकेट करने के लिए तो वह सी थ्री एच सिक्स एन एन इंडिकेट द नंबर ऑफ मोनोमर विच इज इन्वॉल्व इन द पॉलीमर फॉर्मेशन तो देखते हैं ऐसे मोनोमर कैसे होता है पोलीप्रोपिलीन और उसके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं तो मोनोमर जो है वे इस तरह से इंडिकेट करते हैं हम सी एच टू सी एच सी एच थ्री इसे हम कहते हैं प्रोपिलीन मॉलिक्यूल या तो प्रोपिन कह सकते हैं और इसी को हम अलग फॉर्म में दिखाए तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच टू सी एच सी एच थ्री अब इसकी पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो पॉलीमर हमें मिलता है इट कैन बी इंडिकेटेड लाइक दैट पॉलीप्रोपिलीन इट इज अ पॉलीमर दिस वन इज अ मोनोमर यहाँ पे है मोनोमर और इस मोनोमर से हमें मिल रहा है पॉलीमर पॉलीमर तो पॉलीप्रोपिलीन का पॉलीमर यहां पे हमें मिल रहा है दैट स्ट्रक्चर इज इंडिकेटेड बाय दिस

यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए गलती से हो जाता है कई बार की आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख देते हो तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि यही डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा एंड इट इज रिप्लेस विद दिस सिंगल बॉन्ड जो पॉलीमेरिक चेन में अटैच हो चुका है अब यहाँ पे पॉलीमर जो बन रहा है उनमें सबसे खासियत है मोनोमर की अब जो मोनोमर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इट इज अ प्रोपिलीन और इसे प्रोपिन भी हम कह सकते हैं प्रोपिन मॉलिक्यूल या तो प्रोपिलीन अब यह प्रोपिन मॉलिक्यूल जो है वे इस तरह है सी एच टू सी एच सी एच थ्री इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म इस मॉलिक्यूल को हम पॉलीप्रोपिलीन के लिए जो यूज करते हैं वो वे है, प्रोपिलिन एंड इट इज ऑपटेन बाई द डिस्टिलेशन अब डिस्टिलेशन किस चीज का किया जा रहा है तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वहां पे रिफाइनरीज में से जो गैसेस निकलते हैं उनमें से प्रोपेन गैस जो है उनसे अलग करके प्रोपिलीन का मिक्सचर जो है प्रोपेन प्रोपिलिन का मिक्सचर जो है उसमें से प्रोपेलिन अलग किया जाता है एंड इट इज यूज एज अ मोनोमर फॉर दिस पॉलीमराइजेशन तो इस मोनोमर को कहाँ से हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द रिफाइनरीज जो ऑयल रिफाइनरीज है गैस रिफाइनरीज है उनमें प्रोपेन प्रोपिलिन का जो मिक्सचर है उसमें से प्रोपिलिन अलग किया जाता है बाई विच मेथड बाई द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन की मेथड अप्लाई की जाती है एंड देन दिस प्रोपिलीन गैस इज रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन प्रोपिलिन एंड वी यूज फॉर द पॉलीमर फॉर्मेशन अब इस मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें पॉलिप प्रोपिलीन को जो हम बनाते हैं उनमें प्योरिटी बहुत जरूरी होती है क्योंकि अब यहाँ पे जनरली हमने देखा था कि कैटलिस्ट यूज किया जाता है मेटल कैटलिस्ट और यहाँ पे भी कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट अब यहाँ पे जिगलर नाटा कैटेस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं और प्योरिटी नहीं है तो होगा क्या की ड्यू टू द इम्प्यूरिटी सम एक्सटेंट जो जिगलर नाटा कैटेस्ट का है वे डीएक्टिवेट हो सकता है तो डिएक्टिवेशन रोकने के लिए हम यहाँ पे जो पॉलीप्रोपिलीन बनाने के लिए प्रोपिलीन जो मोनोमर यूज कर रहे हैं इट शुड बी हाईली प्योर तो यहाँ पे प्योर होना जरूरी है और उसमें कोई भी मॉइस्चर का ट्रेस जो वाटर का ट्रेस है वे नहीं होना चाहिए सो दैट इट कैन नॉट बी डीएक्टिवेट नाटा कैटलिस्ट तो प्रोपिलीन के लिए जो प्रोपिलीन हम ऑप्टेन कर रहे हैं वे रिफाइनरी से डिस्टिलेशन के तौर पे हम ऑप्टेन कर रहे हैं और उसी के साथ जो प्रोपिलीन हमें मिला है इट शुड बी अ वेरी प्योर फॉर्म एंड इट शुड बी ड्राई एंड मॉइस्चर फ्री सो हम यहाँ पे जिगलर का डिटिवेशन जो है वे रोक सकते हैं अब इस प्योर प्रोपिलीन को हम यहाँ पे जो हमें मिलने वाला प्रोपिलीन है उससे हाईली प्योर हमें पॉलीप्रोपिलीन मिल सकता है यहाँ पे जो पॉलीप्रोपिलीन हमें मिलता है इट इज इन द अटेक्टिक फॉर्म हमने स्टेडियोकेमिस्ट्री डिस्कस की थी अब इथिलीन मॉलिक्यूल में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पे सिंडाटेक्टिक अटैक्टिक या हम उसे रैंडम टाइप कह सके तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज इजैक्टिक फॉर्म तो यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप है तो यहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी और यहाँ पे जिगलर नाटा का यूज करते हुए हमें जो केमिस्ट्री मिलती है पॉलीप्रोपिलिन में वे होती है अटैक्टिक पोलिप्रोपिलीन सो वी गेट अ प्रोडक्ट विच इज इन हाई प्यूरिटी और यहाँ पे कुछ साइड प्रोडक्ट मिल सकते हैं वे हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं अगर हमारे पास प्रोपरली प्योर फॉर्म में हो अगर प्योर नहीं है तो यहाँ पे हमें केमिस्ट्री मेंटेन करना यहाँ पे आसान नहीं होगा इसी के साथ प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वहां पे साइड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हो तो जो मोनोमर से हम प्रिपरेशन करते हैं पॉलीमर का वे सिंपल प्रोसीजर है यहाँ पे हम यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटरिस्ट और प्रोसेस सेम ही होगी जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ पॉलीइथिलीन तो वैसे ही प्रोसेस प्रोसीजर जो है फॉलो होती है यहाँ पे मोनोमर होता है सिंपल तो पॉलिमराइजेशन तो है विद्लरिस्ट और यहाँ पर जो जिग्लरिस्ट है उसमें ट्राइक् वे यूज होता है अलॉन्ग विद्यूमिनियम तो अब यहाँ पे अल्यूमिनियम ट्राइथिल जो मॉलिक्यूल है, है और अलॉन्ग विध यूज द नेपथा अंडर द नाइट्रोजन अब यहाँ पे कंडीशन कैसी है इनर्ट कंडीशन अंडर नाइट्रोजन कोई भी रिएक्शन अगर हो कर रहे हैं हम तो इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ रिएक्शन शुड बी इनर्ट तो यहाँ पे इनर्ट कंडीशन होगी और प्रोपोर्शन ऑफ कैटलिस्ट एंड नैप्था का कैसा है तो इट इज अबाउट 10% परसेंट कैटालिस्ट एंड नाइन्टी परसेंट नैप्था अब यहाँ पे आप कहोगे कि naphtha क्या है तो तो इज इज नथिंग बट द द प्योर प्रोपिलिन जो हम पे यूज कर रहे हैं इट इन ऑफ लाइक दैट की टेन परसेंट कैटलिस्ट होगा और बचा हुआ जो मटेरियल है वे मोनोमर होगा और इनमें रिएक्शन होकर हमें प्रोपिलिन जो है वे मिलता है तो कन्वर्जन यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं रिएक्शन में पॉलीप्रोपिलिन हमें मिलेगा एंड यह रिएक्शन जो है वे होती है एक्सोथर्मिक इसका मतलब है कि रिएक्शन जब कंप्लीट होती है फ्रॉम द मोनोमर प्रोपिलीन से अगर पॉलीप्रोपिलीन बनता है तो यहाँ पे हीट जो है वे इवॉल्व होती है हीट बाहर निकली जा, निकाली जाती है और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मोनोमर जो है वे इस तरह से रिएक्ट होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन फ्रॉम द प्रोपिलीन प्रोपिलीन यह मोनोमर है जिसका एंड नंबर ऑफ मोनोमर हमने लिया हुआ है पॉलीमराइजेशन तो यूजिंग से हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मुले सेम ही है और इससे हमें मिलेगे पॉलीप्रोपिलीन दैट इज अ पॉलीमर तो इस तरह से रिएक्शन होती है अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की तो प्रॉपर्टीज में पॉलीप्रोपिलीन जो है वे थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आने वाला पॉलीमर है इसका मतलब होता है कि पॉलीप्रोपिलीन पॉलीप्रोपिलीन जो है वे यहाँ पे इजिली मेल्ट कर सकते हैं हम रियूज कर सकते हैं अब यहाँ रिएक्शन जो है थर्मल एक्सपांशन जो है पॉलिप्रोपिलीन का वे लार्जर होता है कंपेयर टू पॉलीथिलीन अब अगर हीटिंग करते हैं हम पॉलीप्रोपिलीन को तो एक्सपांड होगा पॉलिप्रोपिलीन और एक्सपांशन जो है वे पॉलीथिलीन से ज्यादा होता है दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीप्रोपिलीन थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखे तो यहाँ पे यह लाइटेस्ट नॉन होमोपोलीमर है तो होमोपोलीमर इसे कहते हैं कि जिनमें मोनोमर जो सेम होते हैं तो इस कैटेगरीज में आता है नेक्स्ट वन इट इज अ लीनियर हाइड्रोकार्बन पॉलीमर तो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर इज अ ब्रांच पॉलीमर तो यहाँ पे जो पॉलीमर हमें मिलेगा इट इज कंसिडर्ड टू बी द क्लास ऑफ लीनियर हाइड्रोकार्बन पॉलीमर तो यहाँ पे पॉलीथिलीन हो गया पॉलीप्रोथिलीन हो गया तो यहाँ पे यह मॉलिक्यूल जो है वे लीनियर हाइड्रोकार्बन पॉलीमर की कैटेगरी में आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रूम में अगर इस पॉलीप्रोपिलीन की बात करें तो यह रेजिस्टेंट करता है फैट्स मतलब ऑयल्स ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनमें इनके साथ भी इंट्रैक्ट नहीं होता इनर्ट रहता है एंड अलोंग विद दैट अ स्ट्रांग ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि पॉलीप्रोपिलीन जो है वे हाईली रेजिस्टेंट है अलग अलग केमिकल्स में यहाँ पे ऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ऑयल्स की बात करें तो इनमें रिएक्ट नहीं होता एट द रूम टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इलिवेट कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो मे बी सम रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो भी है यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के साथ तो वे रिएक्ट नहीं होता लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है बेसिस जो है वे हम पॉलीप्रोपिलीन के कंटर में स्टोर कर सकते बिकॉज ऑफ द कर सकते हैं अगर हम लैब में देखते हैं तो बहुत सारे और पॉलीप्रोपिलीन तो जनरली जो होती है स्ट्रेंथ उनमें ऑप्टेन करने के लिए पॉलीप्रोपिलीन से ही उन्हें बनाया जाता है एंड जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और बेसिस हो गए लॉन्ग टर्म तक हमें उनको रखना है या तो हमने सोलवंट सोल्यूशन बनाए हुए एज अ स्टोरेज के लिए तो उन्हें हम स्टोर कर सकते हैं पॉलीप्रोपिलिन के कंटेनर्स में अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो कुछ ऑक्सीडेटिव अटैक्स इन पे हो सकते हैं फॉर द स्लाइटली ससेप्टेबल फॉर द ऑक्सीडेटिव अटैक यहाँ पे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं होता लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मैंने लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एसिड या ऑक्सीडाइजिंग कंटेंट यहाँ पे हम रखते हैं

दिखाई देगा तो यह है प्रॉपर्टीज पॉली प्रो, प्रोपिलीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कर पॉलीथिलीन यहाँ पे लाइटेस्ट होमोपोलीमर के कैटेगरी में आता है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लीनियर हाइड्रोकार्बन है, है, पॉलीमर हाइड्रोकार्बन पॉलीमर में यहां कंसिडर होता है लीनियर हाइड्रोकार्बन पॉलीमर रूम टेम्परेचर में रेजिस्ट होता है फैट्स ऑयल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनके साथ यह रिएक्ट नहीं होता लेकिन जब रिएक्शन इलिवेट हो जाए टेम्परेचर इलिवेट हो जाए और लॉन्ग टर्म तक अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनमें रखते हैं तो ऑक्सीडेटिव अटैक पॉलिप्रोपिलीन पे हो सकता है इस पॉलीप्रोपिलीन को यूज किया जाता है टू स्टोर दी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड बेसिस बिकॉज इट इज अनरिएक्टेड यह प्रॉपर्टी की वजह से यह एप्लीकेशन उन्हें मिल जाता है मॉइस्चर 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 रेजिस्टेंट है रेजिस्ट नहीं करता खुद के साथ नहीं रखता इजीली वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्री कर देता है के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं करता और इसी के साथ मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो आइसोटेक्टिक पॉलीप्रोपिलीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वन सिक्सटी टू वन डिग्री सेंटीग्रेड अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एप्लीकेशन की अब पॉलीप्रोपिलीन का एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसको ज्यादा से ज्यादा जगह पे यूज किया जाएगा जहां पे हमें की की या तो की तो किया जाता है देते हैं तो वे प्रोसेस होती है मोल्डिंग इसकी प्रोसीजर हमने ऑलरेडी देख ली है पॉलीमर के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मोल्डिंग यह एक प्रोसेस होती है जिनमें पॉलीमर को शेप दिया जाता है तो जहां पे शेप स्ट्रक्चर देना होता है और स्ट्रक्चर अगर हमें विस्टैंड करना है फॉर द लॉन्ग पीरियड वी यूज द प्रेफरेबली पॉलीप्रोपिलेफरेबली पे यूज होता है जो मोल्डिंग करने के बाद पॉलीमर बनते हैं तो यहाँ पे बॉटल्स हम बना सकते हैं बॉटल के टॉप्स जो कंटेनर के टॉप्स होते हैं वे बनाते हैं कंटेनर्स बना लेते हैं टॉयज बनाते हैं पॉलीप्रोपिलीन से रेफ्रिजरेटर की आउटिंग लेयर जो होती है वे पॉलीप्रोपिलीन की बनती है मशीन्स के पार्ट जो होते हैं जो पॉलीमर के होते हैं जनरली वे पॉलीप्रोपिलिन के होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ टीवी के जो मैकेनिकल पार्ट्स है वे भी होते हैं पॉलीमर जो होते हैं वे पॉलिप्रोपिलीन के होते हैं फॉर द रेडियो कंप्यूटर कैबिनेट्स फिटिंग्स के लिए लगेजेस के लिए उसी के साथ चेयर्स बनाने के लिए भी पॉलीप्रोपिलिन का इस्तेमाल किया जाता है अब इस पॉलीप्रोपिलीन को लेबोटरीज इक्विपमेंट में भी यूज किया जाता है और इसी के साथ वॉशिंग मशीन पार्ट्स कैर बैटरीज बनाने के लिए भी पॉलीमर जो है वे यूज किया जाता है अब इस पॉलीमर को पैकेजिंग के लिए फिल्म प्रोड्यूसिंग के लिए और उसी के साथ ड्यू टू द स्ट्रेंथ इट इज ऑल्सो टैंक्स के लिए भी यूज किया जाता है सीट कवर्स पे फ्रिक्शन ना हो और सीट कवर लॉन्ग पीरियड तक बचे रहे तो उसके लिए जो यूज होता है मटेरियल इट इज ऑल्सो दॉलीप्रोपिलीन अब पॉलीप्रोपिलीन जो है वे यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइपिंग सिस्टम तो अब ज्यादा एप्लीकेशन पाइपिंग में नहीं होता बिकॉज पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है वे कुछ हद तक यहाँ पे पाइपिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिप्रोपिलीन की पाइपिंग आप जनरली जो फिल्टर्स मशीन होते हैं उनमें जो बाहरी पाइपिंग होती है जो पॉलीप्रोपिलीन की होती है और जो व्हाइट कलर की आपने पाइपिंग देखी होगी इट इज जनरली मेड अप ऑफ टेफलॉन तो ब्लू कलर में आपने देखा होगा तो जनरली इट इज मेड अप फ्रॉम द पॉलीप्रोपिलीन और व्हाइट कलर में अगर ट्यूबिंग आपने देखी होगी तो दैट इज मेड अप फ्रॉम द टेफ्लॉन पॉलीमर और एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें पॉलीप्रोपलिन का जो यूज है वे हम कई इक्विपमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं जैसे कि मेडिकेटेड इक्विपमेंट है जो टेम्परेचर में स्टेलाइजेशन उनका करना होता है तो जो स्ट्रे होते हैं जो फनेल्स होते हैं जो मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेडिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करने वाली एप्लीकेशन के लिए जो भी कुछ मटेरियल यूज होता है जो ऑटोक्लेव प्रोसेस से जाता है अब ऑटोक्लेव प्रोसेस क्या होती है तो आपने प्रेशर कुकर घर पे देखा ही होगा तो सिमिलरली जो मेडिकेटेड इक्विपमेंट है उनको स्टरिलाइज करने के लिए उन पे से बैक्टीरिया और वायरस को कंप्लीटली किल करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है अब ऑटोक्लेव में जो है हम जो घर में जो प्रेशर कुकर देखते हैं उसी का बड़ा यूनिट ऑटोक्लेव समझ लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसमें यह सब इक्विपमेंट जो है वे रखे जाते हैं एट दी हाई प्रेशर जो टेम्परेचर है वे ज्यादा होता है इस एलिवेटेड टेम्परेचर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं विदैंड हो पाता है वो कील हो जाते हैं और इस प्रोसेस में आपका जो मटेरियल आप अंदर रख रहे हो इट शुड बी विदस्टैंड टू दिस दैट हाई दिसर तो ऐसे टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वे जनरली या तो के होते हैं तो पॉलिप्रोपिलिन इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल विच इज यूज इन द मेडिकेटेड एप्लीकेशन उसी के साथ पॉलीमर जो है पॉलीप्रोपिलिन यूज किया जाता है फॉर द चेयर मैन्युफैक्चरिंग टेबल मैन्युफैक्चरिंग बेड साइड टेबल जो है पॉलीमर के बने हुए कबर्स होते हैं पॉलीमर के तो उनको बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट यहाँ पे वर्कआउट नहीं करता लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से हम लॉन्ग पीरियड तक ड्यूरेबल ऐसे इक्विपमेंट जो है वे अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं और इसी के साथ पॉलीप्रोपिलीन जो है वे इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल तो केबल के ऊपर के के तो तो चाहेंगे सो द फिल्म विच इज ऑप्टेन फ्रॉम दोलिप्रोपिलीन इज यूज फॉर द फूड पैकेजिंग इट इज अबाउट सिक्सटीन परसेंट द पैकेजिंग मटेरियल जिसमें कैरेट्स होते हैं पाइल्स होते हैं सीडी और डीवीडी बॉक्स होते हैं तो उनको बनाने के लिए ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट परसेंट पॉलीप्रोपिलिन का इस्तेमाल होता है आउट ऑफ द हंड्रेड परसेंट टेक्सटाइल में मैंने कहा था कि लास्ट एप्लीकेशन टेक्सटाइल में यान्स या तो फिर फाइबर्स बनाने के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वेंटी और टेक्निकल पार्ट जो मैंने कहा था कि टीवीज रेफ्रिजरेटर उनके लिए जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें जो व्हील्स हो गए ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए जो पॉलीमर यूज होता है वह भी होता है पॉलीप्रोपिलीन सो इट इज अराउंड यूज फॉर द ट्वेंटी परसेंट इंसुलेशन के लिए यूज होता है पाइपिंग के लिए यूज होता है सिवेज पाइप के लिए यूज होता है डैशबोर्ड्स के लिए यूज होता है कार बंपर्स के लिए यूज होता है ऑटोमोबाइल में तो यह टेक्निकल पार्ट्स हो गए टीवी में हो गया तो यह टेक्निकल पार्ट है उनमें यूज होता है एंड लास्ट वन इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनमें फर्नीचर हो गया हाउस होल्ड टॉयज हो गए तो उनमें भी पॉलीप्रोपिलीन यूज होता है तो यह अलग अलग परसेंटाइल है तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज तो तो जो है वे यूज होता है अलग अलग एप्लीकेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाने के लिए मैं वापस से एक बार बताता हूँ फ्रूड एंड वेजिटेबल बॉक्सेज जो होती है पॉलीमर की वे होती है पॉलीप्रोपिलीन की अब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आपने देखी होगी तो उनको सेपरेट करने के लिए लेयर पार्टीशन यूज किए जाते हैं कई बार इनमें इक्विपमेंट आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आते हैं तो यह पार्टीशन बनाने के लिए भी पॉलीप्रोपिलिन की शीट जो है वे यूज की जाती है टोट एंड क्रेट बनाने के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट या तो फिर यूनिट्स रखने के लिए जो प्लास्टिक कोटिंग होती है या तो फिर डिब्बे बनाए जाते हैं वे भी पॉलीप्रोपिलिन के होते हैं रिसाइकल बीन जो होती है उन्हें भी बनाने के लिए प्रोपिल पॉलीप्रोपिलिन का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग में भी पॉलीप्रोपिलिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं प्लांट प्रोडक्शन में यह जो शीट आप देख रहे हो यहाँ पे इट इज ऑल्सो अप फ्रॉम द पॉलीप्रोपिलिन जो ईजिली विद करती है लॉन्ग टेम्परेचर में लॉन्ग पीरियड तक यहाँ पे उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होगा और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या तो फिर कवरिंग में भी पॉलीप्रोपिलिन का यूज होता है फॉर द हार्डनेस प्रोवाइड तो यह सब एप्लीकेशन हो गए प्रोली के इसी के साथ यह लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं आशा करता हूं कि आपको टॉपिक जो है वह समझ में आया होगा इसी चैप्टर के सभी पॉलीमर की इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हैव नाइस डे